नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम के बारे में जानेंगे, जो कि रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है, जिसमें रिमाइंडर इक्वल टू जीरो हो जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है। हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है एक्स माइनस ए, जहाँ ए एक रियल नंबर है। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलेगा पी ए। रिमाइंडर इज इक्वल टू पी ए। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर रिमाइंडर इक्वल टू जीरो हो जाए, मींस अगर पी ए इक्वल टू जीरो हो जाए, तो एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर हो जाएगा। दैट इज इफ पी ए इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, मतलब अगर एक्स माइनस ए पी एक्स का फैक्टर है तो पी ए इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर इक्वल टू जीरो हो जाएगा इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, देन पी ए इक्वल्स टू जीरो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।